ये जी हसन सेंटर हम पहुंच गए हैं, जिसके बारे में क्लेम किया था अल खिदमत ग्रुप ने और दीगर जो अंजमन ताजरान उनकी तरफ से कि शायद यहाँ को बेसमेंट में जगह बाकी है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम है जी, इधर जगह कोई बेसमेंट में लगने के लिए? डबल बेसमेंट है, देखें जरा आपके सामने ही है, ये इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है, यही साइड पे पार्किंग है आपके सामने, डबल बेसमेंट है, नीचे भी है। आइए चले, आप इधर क्या करते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, मैं बस लाहौर पार्किंग कंपनी से आया हूँ। अच्छा, ली पार्किंग से, तो इधर आप पार्किंग में लगवाते नहीं गाड़ियाँ वगैरह? हमारी पार्किंग नहीं है, यही ये प्राइवेट पार्किंग है इनकी। अच्छा, ये किस कौन सा ग्रुप इसे देखता है? खिदमत ग्रुप देखता है सर, ये यहीं की प्राइवेट यूनियन ही देखती है इनको। इनके पास 6 और भी इलीगल स्टैंड हैं यहाँ बैक साइड पे। अच्छा, तो वो भी ये खुद ही ऑपरेट करते हैं, मतलब वहाँ पे भी हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, वो हम लोग क्या इसका करेंगे जी, इसको कहते हैं यूटिलाइज किया जा सकता है? अभी आपके सामने ये जो फर्स्ट बेसमेंट है, अभी जरा कैमरा अगर दिखा सकता है, दिखाए ना जरा। हाँ, तो मस्जिद है सारी। नहीं, इधर ऊपर करके जरा कैमरा दिखाए ना। ये तो मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड था पहले। नहीं, वो नीचे है, वो नीचे लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन हाफ जो है वो आप देख रहे हैं, उन्होंने पार्किंग गाड़ियों से यूज़ किया हुआ है। आपको अगर कैपेसिटी नज़र आती है तो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या नीचे आपको बाइक्स नज़र आएंगी, कहीं को खाली जगह अगर है तो उनकी कंप्लेंट पे किया जा सकता है एक्शन। और जितनी शॉप्स हैं इस प्लाजे में, अपरेंटली तो लग रहा है कि उतनी गाड़ियाँ। और वो कहते हैं कि हसन प्लाजे के जो अपने भी वर्कर्स हैं वो भी बाहर लगाते हैं गाड़ी। ये फिर मोटरसाइकिलें को गायब आना या कोई शोरूम तो नहीं? उनका क्लेम है, बता। नहीं, मैं वैसे बात, वो तो बैठ के आप जब क्योंकि इंतजामिया है तो आप दोनों का मौका बैठ के सुनेंगे, बात करेंगे, मैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सही रहे ना, मतलब मैं उनको देख लेते हैं इस साइड से, जरा देखें, आपको लगता है कि ये खाली है और किसी को आने नहीं देते होंगे? ये अच्छी तादाद है इनकी। ठीक है, ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि सारे प्लाजे के होंगे लोग, हजार के करीब होगी बाइक्स जो है। तो यहाँ तो कोई जगह नहीं, तो वो बस ऊपर मस्जिद है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कुछ जी सर। सामने क्या हाल है जी? आप ठीक है? से ये आपके जो प्लाजे के लोग हैं उनकी बाइक्स वगैरह लगती हैं? आप इन्होंने जो हमें अलाउ की हुई है ना वो 80 मोटरसाइकिलें हैं, आप इसको देख सकते हैं, ये 400 मोटरसाइकिल सारे लोगों की हैं, इस प्लाजे की नहीं है। ये देख लेना आप, 400 से ज्यादा है, जबकि हमारे जो इनकी रिक्वायरमेंट है 80 मोटरसाइकिल की सिर्फ, बाकी सारी लोगों की है, हमारी नहीं किसी की जाती। और ऊपर भी देख लें, गाड़ी भी लगी होंगी, सिर्फ जो मस्जिद के लिए जगह है, किसी जगह भी आपको हमारे इस्तेमाल में जगह नज़र नहीं आएगी। ये आप चेक कर सकते हैं सब कुछ, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है, दी जाती है कि सिर्फ प्लाजे के लिए खड़ी की जाती हैं, कोई भी बंदा 1 बजे तक मोटरसाइकिल खड़ी करके जा सकता है। वो उसका बड़ा आसान हाल है ना कि एक 2 मिनट पहले, अभी प्रोग्राम आप जब देख रहे हैं, 2 मिनट पहले वो कह रहे हैं कि कब्जा हो गया हसन प्लाजे पे, तो हम हसन प्लाजा आ गए हैं, तो यहाँ कब्जा नहीं है, तो बात वो झूठा बंदा जो है वो खुद ही पकड़ा जाएगा। ठीक बात है। ये क्या है? जो भी ये पास हैं कि कम से कम 1 साल से बने, ये डेटे ऊपर लिखी हुई है किस साल, 5/9/2017 से बने हुए हैं। जो भी बंदा मोटरसाइकिल खड़ी करके जाता है ना उसको उसका टोकन मिल जाता है, उसकी डेट चेक करें जरा। पहले बड़ी तादाद में ये टोकन मौजूद है, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप चेक करें ना, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद फिजिकली जब मर्जी आके चेक। फिजिकली जी इंतजामिया ने आना जरूरी समझा, इंतजामिया को पता है कि उन्होंने चीजों को टैकल करना है। नहीं, नहीं, इंसाम, और इंसाम, साथ इंसाम, आपको बताएं कि एसी सिटी साहब साथ हमारे मौजूद हैं, और समस्या वही है, प्रॉब्लम वही है कि किस तरीके से हार रोड के मसाइल को, और ये जो मसाइल स्थान बना हुआ है हार रोड, इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। और अभी बाबर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी हम बात करते हैं। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? आप सुनाएं बाबर साहब, हमें ये थोड़ी देर पहले बताया गया था कि इस प्लाजे पे पार्किंग की बहुत सारी जगह मौजूद है, 2000 बाइक्स का कब्जा है, 2000 बाइक्स यहाँ अकोमोडेट किया जा सकता है, तो एसी सिटी और हमने मुनासिब समझा कि इसको विजिट किया जाए और जाके देखा जाए। लेकिन नीचे तो हालात जो हैं वो आपकी अपनी पार्किंग और 80 बाइक्स आपको अलाउ थी, और यहाँ तो 400 से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा तादाद है। अच्छा काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अपनी आँखों से देख लिया। लेकिन एसी साहब भी आपके साथ मौजूद है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोई कानून ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ एक प्लाजे पे लागू होता हो, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जैसे इन्होंने बोर्ड नहीं साफ किए सारे हार रोड के, बहुत अच्छा काम किया है, मेरी आप 32 की हैं बाकी रहते हैं, ये बड़ी अच्छा काम किया जी आपकी तरफ से। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को फुल स्पिरिट के साथ जो आप इम्प्लीमेंट किया है, ये बहुत ज़बरदस्त काम है, और इसकी बड़ी पजीराई आवाम में मिली है आपको, और 32 जो है वो आपने उतार दिए हैं, बाकी मेरा ख्याल आप अगले संडे को शायद कोई बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जिस दिन बिजनेस यहाँ ऑफ होता है, बेसिकली आप जैसे बताया 20,000 लोगों की आमद रफ्त है, उसके बाद कस्टमर्स हैं, तो यहाँ जब ऑपरेशन किया जाता है तो जीरो मूवमेंट रखी जाती है, ताकि किसी को नुकसान ना हो, कोई बिल्डिंग ना गिरे, कोई ऐसा मसला ना बन सके, इसलिए संडे को रखा गया नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन आप एक बार ख्याल रखें, जिस तरह ये सारे ऑपरेशन हो रहे हैं ना, एसी साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल की विरासत से, हार रोड पे तकरीबन 100 के करीब प्लाजे हैं, या पार्किंग सिर्फ इसी पर लागू होती है,
आपने इस चीज का विदर करे पूरे हाई रोड पे, पूरे बकाया प्लाजों की पार्किंग कहाँ है और उनकी शिकायत क्यों नहीं की जाती। मेरा आपसे सवाल है कि एक प्लाजे की शिकायत बार बार की जाती है, वो आपके सामने है। अब आपने हार रोड की हर प्लाजे की पार्किंग निकालनी है और पूछना है कि बकाया के नाम आप क्यों नहीं लेते। निशानदेही करवाएं, कहाँ कहाँ है, आइए चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ यार, जो इस प्लाजे के अलावा पूरे हार रोड पे पार्किंग नहीं है, मैं टाउन से पूछता हूँ क्यों नहीं है और उसके बारे में नाम क्यों नहीं लिया जाता। ये 500 दफा चेक हो चुका है और हर दफा अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आया है, लेकिन पूछा जाए बकाया प्लाजों की पार्किंग कहाँ है, उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता चैनलों पे। ले दो रहे हैं नाम और क्या ले, इस क्या क्या है जी, बताएं कौन कौन से प्लाजे हैं। मैं कहता हूँ एक मिनट, आप तो चुप करें यार। इस प्लाजे के अलावा हार रोड पे पार्किंग नहीं है, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं है और जो शिकायतें लगाते हैं उनसे पूछा जाए उनका नाम क्यों नहीं लेते। ये वाहद प्लाजा जो ईमानदारी से चल रहा है, ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, ये बहुत सारे और भी पार्किंग के जो बड़े बड़े जो प्लाजे बनाए गए उनमें पार्किंग ही नहीं, और ये यहाँ तक चीजें कैसे पहुंच गई और इतनी मिसमैनेजमेंट का नतीजा कि आप पार्किंग प्लाजा और आपको पता हो कि बड़े पैमाने पर आबादी बढ़ रही है, बड़े पैमाने पर वसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं, तो फिर भी ये चीजें जो है वो मिसमैनेजमेंट का नतीजा नहीं समझते आप। इसमें अगर हार रोड की हम बात करें तो जैसे हमारे लेफ्ट में ये बिल्डिंग है, इसका नाम शादी लाल बिल्डिंग के नाम से है, 1921 से ये बिल्डिंग बनी हुई है और एट दैट टाइम वो मेरा ख्याल है प्लाजे की बेसमेंट या पार्किंग वाला इशू नहीं होता था। अब जिस तरह ये प्लाजा है तो बिफोर मेरा ख्याल मेरे स्टूडेंट लाइफ से ये 30-40-50 साल पुराना है, इसकी भी कोई बेसमेंट उस तरह नहीं है। अभी नए जो प्लाजाज बन रहे हैं वो MCL को कोई भी मेरा ख्याल है कि उनका मैप या उनका नक्शा कोई अप्रूव नहीं होता विदाउट पार्किंग। ये पुराने बिल्डिंग्स हैं, इनके जो बिजनेसमैन हैं, इनके जो कारोबार करने वाले लोग हैं, अल्टीमेटली उनकी मोटरसाइकिलें बाहर आनी हैं, यहीं पे पार्क होनी है जब तक कि प्लाजा बन नहीं जाता। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ये उन्हीं के मतलब रीज़न है, बाकी जो नए बन रहे हैं वो MCL ने जब वो मैप उनका नक्शा वगैरह पास होता है तो आई डोंट थिंक कि कोई भी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से आप लेके चलेंगे। और पार्किंग के इंतजामियों को आपने पूछा कि ये आप सिंगल लेन तय हुआ था, क्यों डबल डबल लेन करते हैं, इस वजह से ज़्यादा मसाइल हैं और 40-40 फीट पे दोनों तरफ से सड़क पे कब्जा हो जाता है। नहीं, इस तरह नहीं है, एक साइड पे टू लेन है और एक साइड सिंगल लेन है, तो टू लेन के बाद आप देखें बाइक पे लोग खड़े हुए हैं, टू लेन है, देखें जरा लेन कितनी है, ये उसी तरह की हुई है। यहाँ पे ये पार्किंग जो है ये इसको आप डबल करेंगे, पार्किंग वाले इधर खड़े हैं, ये शॉप वालों की है, वो वहाँ पे इनको मतलब कहते हैं जी हमारी अपनी है, हमने भी तो इधर खड़ी करनी है, वो उनकी लाइन लग जाती है। सेकंड जो लाइन है वो उतना ही, ये टिकट उनके लगे हुए हैं तो ये ऑलमोस्ट उतनी ही जगह तक लेके आते हैं, तो मतलब इनकी लाइनिंग करवाई गई है, उसके बाद ये कोशिश किया गया कि इसी लेवल पे रखा जाए अनटिल ये पार्किंग प्लाजा नहीं बनता। ये थोड़ा सा कंजेशन जो है इसको हमें फेस करना ही पड़ेगा अनटिल डैट के वो प्लाजा हमारा पार्किंग। क्या विजन है आपका, क्योंकि इसकी मीडिया पर बड़ी हाइप है, हाई कोर्ट में बड़े मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं बड़े, और आपने देखा कि हाई कोर्ट में भी डेली इंतजामिया को जाके सफाइयाँ देना पड़ती हैं जब क्रॉम प्रॉपर नहीं हो पाता, लोगों के रास्ते रुके हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस रुकते हैं, बड़े मसाइल पड़ते हैं, इस पे क्या टेक क्या है आप लोगों का, आपकी जानिब से इंतजामिया की जानिब से क्या टेक है और विजन क्या है। ठीक है, ये बोर्ड आपने हाईकोर्ट के ऑर्डर पर उतारे हैं और ये हाईकोर्ट के ऑर्डर के आने से पहले उतारे जाते तो ज़्यादा आसान होता, हाईकोर्ट को इंतजामिया अमूर में जब डायरेक्शंस दे के इंटरवीन करना पड़ता है तो वो ज़्यादा सुबकी नहीं होती इंतजामिया की। इसमें जैसे अब आपने बात की है कि ये इसमें हमारा प्लान क्या है, प्लान तो यही है पार्किंग प्लाजा बन जाएगा तो पार्किंग जो है वो स्मूथ हो जाएगी, ये रोड खुला हो जाएगा, बिजनेस तो कहीं शिफ्ट हो नहीं सकता, ये लोग इधर ही हैं। बोर्ड की जहाँ तक आप बात करते हैं, इतने बड़े स्काई साइंस जो हैं, ये जो जिन्होंने बिल्डिंग को रोका हुआ था, हवा उनकी रोशनी सब कुछ रोका था, अभी हमने कल जो ऑपरेशन किया है उसमें MCL ने मेन लीड किया है, हमारे साथ वो थे, उनके मतलब पूरी जो है इंतजामिया उनकी, और मैं यहाँ पे सारा दिन रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब ने यहाँ विजिट किया है, कल 14 से 15 घंटों का ऑपरेशन किया गया शट डाउन करके, और इसमें 32 प्लाजा जो है मेन बोर्ड्स उनको रिमूव कर लिया गया है 68%, बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को किए जाएंगे जब ये बिज़नेस जो है ऑफ होगा और ये लोगों की मूवमेंट नहीं होगी, संडे वाले दिन किया जाता है जस्ट टू अवॉइड दी एनी अनटॉवर्ड इंसिडेंट। ठीक, आपने हसन जो सेंटर है वो खुद विजिट किया हुआ है? जी बिल्कुल किया हुआ जी, उनकी अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक वो ड्रामा किया हुआ कि यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, मोटरसाइकिल भी अगर एक दो आपको नजर आई होगी तो वो उनके मुलाजमीन की है। कितने मोटरसाइकिल थी वहाँ जी? चले मैंने क्या शहादत देनी है, ये यहाँ पे बिजनेस करने वाले हैं, ये किसी वक्त खुद जाकर देख सकते हैं। आप विजिट लाजमी कीजिएगा और वो टोकन भी देख के आइएगा कि किस लेवल के वहाँ पड़े हैं, नहीं तो आप प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उसमें देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब मुझे वो भी देखा जो मस्जिद बना के उन्होंने बिछवा लिया अपना मस्जिद का जो स्टैंड बनाया हुआ,
मस्जिद के लिए फिर अब क्या मैं कह सकता हूँ? ये करते ही है, क्या कहते ये भाई मेरे करते ही है। मस्जिद का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? नहीं, आप आके तमाशा लगाते हैं चले जाते हैं। मस्जिद का क्या जवाब दो? ऊपर भी मस्जिद बनी हुई है, क्या कहूँ उसका? ऊपर भी मस्जिद बनाई हुई है, मस्जिद का क्या जवाब? सेफ करने के लिए कोई कहता है जी मैंने इबादत के लिए रखा है तो मैं क्या कह सकता हूँ? तो वो कहते हैं उनका एक जवाब है, उनका जवाब है, उनका जवाब पूछे ना हाई कोर्ट। हाँ, ये आप एप्लीकेशन लेके चले जाएं। हम जाएंगे, नहीं मतलब जाएंगे, जाएंगे हम हाई कोर्ट भी। आप लोगों के कंधों पे रख के बंदूक क्यों चलाते हैं? हम जाएंगे ना भाई, क्यों नहीं? आज आपके देखे आपके बाल सफेद हो गए इधर रह रहे के भाई मेरे, और आप सीनियर थ्री हैं यहाँ के, कितने सीनियर हैं? तो आप लिटिगेशन में क्यों नहीं गए? जो बात करें बाबर साहब, लिटिगेशन में जाए ना, जाएंगे। लोगों के कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं। मेरी आप बात सुने, आप गलत, आप ये गलत कह रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप सही बता दें क्या है वो, उसकी रिट जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ऑलरेडी 2 साल से हमारा रिट पेंडिंग है, चौथी एतराज एहसन साहब उसके अंदर। लब्बा साहब को क्यों नहीं पता? ओ, मेरी लब्बा साहब को शायद ना जाए, मुझे नहीं पता कि वो पेंडिंग है। उनको पता है जो हाई कोर्ट में रिट है। आप जो बात कह रहे हैं वो 2 कनाल 16 मरले में प्लाजा है, और पाकिस्तान हार रोड का वो वाहिद प्लाजा इतना बड़ा है जिसमें 2 बेसमेंट है, बड़ी डिक्लेयर है। उसमें आप मुझे ये बताइए, एक सुन लेना, आपने जो मस्जिद का, उसमें पहले मस्जिद नहीं थी, अगर वो लिटिगेशन में जाने के बाद बनाई, लिटिगेशन में जाने के बाद बनाई, ये बड़ा अहम आर्गुमेंट है ना। उन्होंने लिटिगेशन जाने, और उन्होंने इस तरीके से यहाँ 4-5 और भी बनाए हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, ये मसला नहीं है कि बिल्डिंगें नहीं बनती, उसमें हाल रोड पर सैकड़ों प्लाजे हैं, लेकिन जो इंसान इस बेस के ऊपर, अली अकबर कुरैशी साहब के सामने मैनी साहब केस के अंदर बहुत सारे मजहबी सेंटीमेंट्स यूज करके उनको डायरेक्शंस देने से रोकने के लिए बड़े होचे हथकंडे अपनाए गए, लेकिन पूरे का पूरा जमाना शाहिद है कि उनकी तरफ से किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं लिया गया था, और ऑर्डर्स किए गए थे, और हकूमत की रिट जो है वो बहाल की गई थी, और कब्जे की जगह वापस ली गई थी। और इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि इस किस्म का ऑर्डर होना चाहिए, लक्ष्मी मैंशन जो है ये भी आज से कोई 150 साल पुरानी जगह है, यहाँ ऑर्डर करना चाहिए हाई कोर्ट को कि यहाँ मजीद कोई प्लाजा आइंदा ना बने। अब ये जो बन गया वो ठीक है, चलो बन गया है, लेकिन उसकी 2 बेसमेंटें डिक्लेयर रहनी चाहिए। मैं पूछ रहा था इनसे भी, सर से भी, वीर साहब से मैं पूछ रहा था कि आपका विजन क्या है? ये बिल बोर्ड तो उतरवाए हैं, बड़ी अच्छी बात है, और ये 32 उतरवा चुके हैं, और ये अगले हफ्ते तक आपको बिल बोर्ड यहाँ नजर नहीं आएंगे। इसमें हाईकोर्ट के डायरेक्शन मौजूद हैं, उनके डायरेक्शन पर ये काम कर रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा था कि आपका क्या विजन है? मैं आपसे भी यही जानना चाह रहा हूँ कि कौन सा विजन है कि आप लोग मिल बैठ के इन मसाइल को हल करें, और ये खूबसूरत तरीन जगह डिक्लेयर हो, और लाहौर की खूबसूरती रिवाइव हो सके। इसमें कोई शक नहीं है कि हॉल रोड एक खूबसूरत मार्केट है, और माल रोड हॉल रोड कनेक्टेड मार्केट्स हैं। जहाँ तक ये बिल बोर्ड का ताल्लुक है तो हम कई साल से कह रहे हैं, ये तो बड़ी मेहरबानी है हाई कोर्ट के जज साहब की, जिन्होंने पर्सनली पेन लेके ये सारा काम किया है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे जज साहिबान आने चाहिए जो ये लुक आफ्टर करते रहें, क्योंकि दातागंज बक्स टाउन वगैरह की में कैपेसिटी नहीं है ये चीज़ें रुकवाने की, वहाँ सियासी इन्फ्लुएंस आ जाते हैं। इस तरह के जो जजेज हैं वो बिल्कुल सही फैसला कर रहे हैं, और हमारा इनको बिल्कुल तामुन रहेगा, जहाँ सही बात होगी हम हाजिर हैं इस बात पर, हमारी मार्केट भी तामुन करेगी। जी जी, कि फुटपाथ क्लियर होने चाहिए, काउंटर अगर कोई पैसे लेता है ना जी, या बगैर पैसे के भी लगवाता है तो वो अपनी दुकान में लगवाए, उसको कोई हक नहीं पहुंचता तो बाहर करें वो, कि वो फुटपाथ पे, फुटपाथ रोकने का मतलब ये है हमारे कस्टमर जो है वो तकलीफ में होते हैं, पब्लिक आए, फुटपाथ क्लियर हो, वो ख़रीदारी करे आराम से, हमारी मार्केट का भी एक नाम हो, अच्छे लोग आए, हम उन्हें वेलकम कहें, पता चले लाहौर में एक अच्छी मार्केट है। ये सफदर साहब जो है, इसी साहब, ये बड़ी इसमें मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनका जो है ना लोअर स्टाफ जो है ना वो काम सही तौर पे नहीं करता, वो निशानदेही नहीं करता। ये अमीन मदर बट की शॉप है, इसने बाहर काउंटर लगाया हुआ है, इसका चलान होना चाहिए, इसका जो है ना प्रचार। आपने खुद से विजिट किया तो आपने देखा है कि हालात किस तरह हैं? नहीं, वो तो काफी अक्सर मुख्तलिफ है। नहीं, मुख्तलिफ तो मतलब किस लिहाज से मुख्तलिफ है? मुझे तो इम्प्रूव इसलिए लग रहे हैं कि हमने पिछले एक माह में यहाँ पे एंक्रोचमेंट ऑपरेशन भी किया। वो असल में इम्प्रूवमेंट वो आप देख रहे हैं बोर्ड के एतबार से, ग्राउंड रियलिटी पे आप देखें उसी तरह ही पैकअप है सारा, काउंटर बाहर लगे हुए हैं, और बाइक्स भी बाहर हैं, गाड़ियां भी बाहर हैं। बाइक्स तो बाहर होनी है, उसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि वो अभी जब तक पार्किंग सही, हर्डल ही वो है। नहीं, हर्डल बाइक्स और गाड़ियां